नमः परमहंस स्वादिचरण कमल चिन्ह मकरंद भक्त जन मानस निवास श्रीमते रामचंद्र श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परम वांछाकल्पतरो भेष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक रुकुमांगदर्जुन वशिष्ठ विभीषण पुण्यानिवान परम भागवता नमः यम प्रव्रजंत मन पैत मुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कात्रगाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जे मुदीरे वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च रंध्राण वेणु रधर सुभयः पूर्णयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए ना सतवीरे जाकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम उन महावीर हनुमान को सब द्वारन को छोड़ के आयो तुम्हारे द्वार अहो भानु की लाडली निको मेरी वो गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित नारायण
ಶರಣ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗ ಮದಾಪಘ ವಾರಾಣಸಿಂ ಪ್ರಪತಿಂ ಭಜವೀಶ್ವರ ಬುಲಿಯೇ ಭಾಗವತ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ ಗಂಗಾ ಮೈಯಾ ಕೀ ಜಯ ಜಮುನಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ಸರಸ್ವತೀ ಮೈಯಾ ಕೀ ಜಯ ಬೇಡಿ ಮಾಧೋ ಸರಕಾರ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಸರ್ವ ಸಂತ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಸುಖದೇವ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪರಿಚಿತ್ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ ಸತ್ಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೀ ಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ नाम का भाव के साथ आश्रय लें, सभी लोग भाव के साथ गाएं, जय 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 हनुमान Yeah.
राघव सरकार प्रेम जीवन धन राधा माधव सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री आनंद अखाड़ा पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर आचार्य श्री बालकानंद गिरी जी महाराज जिनकी छत्र छाया में जिनके पावन सानिध्य में ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग आश्रय लेंगे। उनके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत सभी संत भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ उपस्थित आचार्य विप्रवृंद तथा गंधर्वगण
उपस्थित समस्त भक्तवृंद शुद्धामयी ममतामयी माताओं बहनों आप सबका तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा से भागवती गंगा के इस क्रम में अभिनंदन करते हुए आए। इस कुंभ का परम लाभ प्राप्त करने हेतु हम सभी श्रीमद् भागवत के चरणाशित होकर के इसका लाभ प्राप्त करें, क्योंकि जीवन का शुभारंभ श्रीमद् भागवत से होता है। भागवत समर्पण सिखाता है और जीवन में जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक इस जीवन की धन्यता नहीं होगी। मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और वो भी मानव जीवन मिले परंतु समुद्र के पल्ली पार मिल जाए, यानी वेस्टर्न कल्चर में पश्चात सभ्यता में, तो भी उस मानव जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। परंतु वो मानव जीवन भारतवर्ष की धरा में प्राप्त हो, ये इस जीवन की धन्यता है। जिस भारतवर्ष की महिमा वेद गाते हैं, जिस धरा में अवतार लेने के लिए परमात्मा लालायित रहता है, कब वो त्रेता आए कब द्वापर आए मैं अवतरित हूं। जिस भारतवर्ष में इस धरा को मां शब्द से अलंकृत किया जाता है, भारत मां, और ये एकाक्षरी मंत्र स्वामी रामचंद्र परमहंस जी महाराज ने इसी का जाप किया, मां मां। इस एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण करने मात्र से हृदय में ममता भर जाती है, करुणा भर जाती है, दया प्रकट होती है। ये मां शब्द जहां संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं और उस मां का जो गौरव है वो भारतवर्ष की धरा को प्राप्त है। इसलिए बार बार हम लोग बोलते रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उस भारत वर्ष में भी जन्म हो और वो भी गंगा जमुना के किनारे हो जाए, चलो गंगा जमुना के किनारे भी जन्म हो परंतु जब तक जीवन में तीर्थराज प्रयाग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो जन्म सार्थक नहीं हो सकता। कौन सा तीर्थराज प्रयाग? जहां हम सभी बैठे हैं ये तो तीर्थराज प्रयाग है, पर ये तीर्थराज प्रयाग दिल्ली नहीं जा सकते, बंबई नहीं जा सकते, कलकत्ता नहीं जा सकते, मद्रास नहीं जा सकते, उन सबको यहां आना पड़ेगा। परंतु एक ऐसा तीर्थराज प्रयाग है
जिसके पास जाना नहीं पड़ता, जो पास में पहुंच जाता है। और उस तीर्थराज प्रयाग का नाम है संत। वृक्ष लगे फल फूल जब आवे ऋतु बसंत, नर जीवन सर से तब ही जब कृपा करे कोई संत। जंगल को हरा भरा करने में बसंत ऋतु की भूमिका है। बसंत के आते ही जंगल हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही ये मानव रूपी जंगल, ये जो जीवन है, हमारा जंगल ही है। जिस जंगल में बड़े बड़े डाकू अपनी अपनी फौज लेकर निवास करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस शरीर रूपी जो जंगल है इसको हरा भरा करने की जो भूमिका है वो संत की है। सींचत सींचत माली मर गए, मौज करे भवरंगारे। माली सींचता रहता है, फूल आते हैं, भौरा आके उसका लाभ लेता है। सींचत सींचत माली मर गए, मौज करे भवरंगारे। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे सरपंगा। सांप कभी बिल नहीं खोदता, चूहा खोदता है जाके रहता है। ऐसे ही महाराज संत की वृत्ति है। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे सरपंगारे। सोचत जोरत जोरत मूंजी मर गए, मौज करे खरचंगारे। अरे सोचत सोचत दुनिया मर गई। सोचो सोचो कल के लिए, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां खुल गई, कल के लिए सोचो। सोचत सोचत दुनिया मर गई, पर मौज करे सतसंगार। आनंद कौन प्राप्त करता है? आनंद संत प्राप्त करता है। एक संसारी व्यक्ति 4x4 फुट का यदि कोई कमरा बनाना पड़ जाए, 8x8 का, 10x10 का, 12x15 का, तो बेचारे के पसीने बहने लगते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और एक संत कहीं भी बैठ जाता है और वहां जंगल में मंगल हो जाता है। आज हम लोग यहां बैठे, आज से 2-3 महीना पहले यहां देखते क्या हालत थी महाराज, कोई बैठ सकता? क्या है ये? संत कृपा है। दुनिया का इंश्योरेंस कहता सोचो 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 सोचो, पर साधु कहता मां सोचो मत सोच। तुझसे न सुलझे यदि तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। कौन कहता है? साधु कहता है। तेरी हर मुश्किलें वो आसान करेगा, जो खुद न कर सका उसे भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, प्रभु के दर
सर में शीश झुकाना ही बहुत है, होता है जहां न्याय वो दरबार यही है। कौन बताता है? संत बताता है। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जीवन में महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए, मोक्ष द्वार मुपावृतम। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पन। महापुरुषों का संग मुक्ति का खुला दरवाजा है। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, सब ही सुलभ सब दिन सब दे, सुलभ सबे दिन सबे दे।